लवली पीपल, दिस इज़ अनदर गुड मॉर्निंग इन उदयपुर। उदयपुर में दो दिन स्टे करने के बाद हम उदयपुर से निकल रहे हैं फाइनली टूवर्ड्स कोलकाता, जो बोले सोनिया सत श्री अकाल, जय माता रा, इंशाल्लाह। चलो तो आज प्लान कुछ ऐसा है कि हम पहुंचने वाले हैं झांसी तक, जो कि 600 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है। अगर मुमकिन हुआ तो हम आगे निकल जाएंगे कानपुर की तरफ, और दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ आवर बाइक्स। तो सब कुछ मिला के हम प्लान करेंगे, सो लेट्स सी। उदयपुर बाय बाय, इट वॉज अ प्लीजेंट स्टे इन उदयपुर। इट्स सनराइज टाइम, सुबह सुबह क्या ठंड है, क्या ठंड है यार, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आएगा। हाईवेज तो फिर से हमें वही बढ़िया सा हाईवे मिलने वाला है जो कि मैंने आपको दिखाया था, माउंट आबू से उदयपुर तक का हाईवे। That was really awesome highway, and that's the same highway we are going to catch up. Lovely people, the time is around 12:45, and we are crossing Kota. Yes, Kota, क्या बढ़िया जगह यार। होय होय होय, ब्रिज तो देखो, ओह शिट, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बाय द वे, दिस इज द कोटा बाईपास, यानी कि NH 27। तो यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ता अगर हम कोटा शहर के अंदर जाना चाहते, तो ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर्स है अंदर जाने के लिए कोटा शहर के अंदर। बट वी आर बाईपासिंग दी एंटायर सिटी। रास्ता बहुत बढ़िया है, रास्ता बहुत ही बढ़िया छे। अगर आगे का रास्ता भी ऐसा ही रहा तो इंशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। अभी ऑलमोस्ट 4:30 इन द इवनिंग, झांसी इज 176 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। रोड्स आर ऑसम, लवली पीपल, द टाइम इज़ अराउंड 7:30 और हमने अभी अभी झांसी क्रॉस किया, झांसी सिटी। झांसी क्रॉस करने के बाद हम कानपुर की तरफ आगे निकल चुके हैं। कानपुर इज ऑलमोस्ट अराउंड 170-180 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। उम्मीद है कि हम पहुंच सकते हैं बिकॉज द टाइम इज़ ओनली अराउंड 7:30 इन द इवनिंग, तो आराम से वी हैव अनदर 3.5 hours ऑफ टाइम टू यू नो राइड इन द नाइट। We'll push till our body permits, so that's the plan as of now. So देखते अभी क्या होता है भाई लोग। I'm not making this particular video very lengthy because I plan to make this video starting from Udaipur and ending at Kolkata,
in a single video. That was my plan, because the same pitch of highways that you are going to explore, that we are going to explore, are wahi main aap logo ko dikhane wala hu. So there is nothing much interesting, and that's why I plan to do it in this way. So वैसे भूख तो बहुत लगी यार. After we crossed Kota, उसके बाद हमने लंच कर लिया था. बट यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है. स्पेशली आप जब MP मतलब मध्य प्रदेश जब आप एंटर कर लेते हो, उसके बाद जो हाईवे आपको मिलेगा, इट्स अनबिलीवेबल. इट्स रियली चक्काचक चक्काचक ऑल दी वे. तो अभी MP तो ख़त्म हो चुका है. देन वी एंटर्ड UP, उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन झारखंड, देन अल्टीमेटली वील बी रीचिंग कोलकाता, वेस्ट बंगाल. चलो फटाफट निकलते हैं. जय माता दी. इंशाल्लाह वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दी खालसा, जय माता रा, होली क्राइस्ट. सो लवली पीपल, दिस इज अनदर गुड मॉर्निंग. सो वी स्टेड बैक 120 किलोमीटर्स बिफोर कानपुर. तो रात के 10 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे. जगह का नाम है उरई, और हमने यहीं पे स्टे कर लिया था. सो बेसिकली हमने कल 860 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, 860 किलोमीटर्स. तो उसके बाद हमसे हो नहीं रहा था, एंड वी थॉट ऑफ पिचिंग आवर टेंट समवेयर. तो हमें ये ढाबा मिल गया था, अच्छे से डिनर कर लिया, उसके बाद वहीं पे टेंट लगा के सो गए अच्छी तरह से. और रात को क्या भयंकर ठंड थी, बहुत ही भयंकर ठंड थी. तो वो भी एक वजह है आगे ना जाने की. बाय द वे द डेट इज 9th of November 2018, एंड दिस इज द 14th डे ऑफ आवर राइड. तो अभी यहाँ से हमें कानपुर जाना पड़ेगा. कानपुर से NH 19 पकड़ के इलाहाबाद, बनारस होके कलकत्ता. सो दैट्स द प्लान. देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं. लेट्स सी. लवली पीपल, सो हम बनारस क्रॉस करके यहाँ पे रुके हुए थे घंटे भर खाने के लिए, लंच के लिए. वैसे तो टाइम हो रहा है अभी 5:05. वी आर क्वाइट टू लेट हैव अ लंच, बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. एज यूजुअल आफ्टर क्रॉसिंग बनारस सिटी, वही लगभग 90 या 100 किलोमीटर रास्ता बहुत ही घटिया है, विथ लॉट्स ऑफ डाइवर्शंस. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. तो बनारस से कोलकाता इज अगेन अनदर 700 किलोमीटर्स. तो डेफिनेटली आज पॉसिबल नहीं होगा, मे बी टुमारो वी हैव टू कंटिन्यू टूवर्ड्स कोलकाता. The date is 10th of November 2018 और आज है शनिवार. क्या बात है. तो बेसिकली हम यहाँ पे रुके हुए थे कल रात को. सो बेसिकली दिस इज द 15th डे ऑफ आवर राइड. तो यहाँ अंदर हमने टेंट लगा के सोए थे कल रात को, और हम अभी निकल रहे हैं. वक्त हो रहा है 6:30. तो गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है, अंकन इज देयर, और हमारी प्यारी सेनोरिटा यहाँ पे लोड हो चुकी है. तो हम यहाँ से निकलेंगे. बेसिकली दिस इज़ अ प्लेस समवेयर इन झारखंड. तो यहाँ से धानबाद है 120 किलोमीटर, फिर यहाँ से कलकत्ता है लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर.
तो लगभग कलकत्ता पहुंचने में हमें और 450 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी आज. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डे, दैट इज द फाइनल डे ऑफ आवर एंटायर राइड टू वेस्टर्न इंडिया. तो चलो यहाँ से निकलना जाए. होटल गंगोत्री, माँ गंगोत्री होटल, क्या बात है. इनकी खातिरदारी बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की उन्होंने. क्या खाना खिलाया रात को यार, गरम गरम चिकन पका के, फिर गरम गरम रोटी, क्या क्या नहीं मिला. बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खातिरदारी की है हमारी. एनीवेज इट्स टाइम टू लीव द प्लेस. So lovely people, this is the lovely evening. The time is around 3:30 and Ankan is getting separated. I mean we both are getting separated. Okay, see you. Chalo chalo. हाँ हाँ ओके. सो अभी हम अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं. सो मेरा घर जो है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस. अंकन्स होम इज अगेन 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस. तो अंकन पहले ही पहुँचेगा. एनी वेज दैट वॉज रियली अ वंडरफुल राइड. दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइड्स आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ. Ankan is still connected in intercom. Okay, bye bye Ankan. It's getting disconnected. Okay, bye bye bye. Chalo bye. Right, sir. Okay, see you people later.